नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान करने का सिलसिला शुरू हो गया। ग्वालियर में 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने वोट डाले। मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने AMI शिशु मंदिर स्कूल में मतदान किया, तभी वहां शिवराज सरकार के दिग्गज नेता और मंत्री माया सिंह उन्हें मिल गई। सिंधिया ने आगे बढ़कर मंत्री माया सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गले लगाते हुए कहा कि मंत्री माया सिंह उनकी मामी है। भाजपा ने इस बार ग्वालियर पूर्व विधानसभा से माया सिंह का टिकट काट कर सतीश शुक्रवार को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से मुन्ना लाल गोयल को टिकट दिया गया है। जिस तरीके से विश्वासघात शिवराज सिंह जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के 5 करोड़ मतदाता और 7.5 करोड़ जनता के साथ की है, जनता अब जवाब शिवराज सिंह जी को देगी। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।